आप लोग एक स्टेज फियर का शिकार हो जाते हैं और दूसरे तो पहले से ही स्टैमरिंग की वजह से थोड़े लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उसकी वजह से आई कॉन्टेक्ट नहीं मेंटेन कर पाते। मैं सिर्फ कुछ टेक्निक्स बताने लगी हूँ हाउ टू मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट, तो उसके बाद फिर आप कभी भी स्टेज फियर, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि सामने देखें सामने देखें, सो अगर मैं आपको सारी नजर आ रही हूँ, ठीक है, जब भी आपने खड़े होना है, जैसे मैं आपको कहा था डाइस के सामने आए, तो आपने अपने दोनों पाँव पे बराबर वजन देना है। सबसे पहले दोनों पाँव पे बराबर वजन देना है, आपके शोल्डर्स आपके, और इसका ये है कि जो आपके शोल्डर्स हैं, जो बॉडी अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो आपके शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स के एग्जैक्ट नीचे आपके पाँव होने चाहिए, अंडरस्टैंड। और उसके बाद जब आप पहली दफा स्टेज पर जा रहे हैं तो आपने अपनी लोअर बॉडी को बिल्कुल समझ लेना कि अब ये पत्थर की हो गई है, इसको ग्लू लग गया, पांव नहीं हिलाने, टांगे नहीं हिलानी वहां से, क्योंकि अपनी एनर्जी शेक होगी अगर आपकी टांगे काम करेंगी, तो अपनी एनर्जी बचा के रखनी है जो कि बोलने के लिए चाहिए हमें, अंडरस्टैंड। अब आपके रह गए लोअर बॉडी जुड़ गई, ठीक है, अब उससे ऊपर आते हैं आपके हाथ, इनको कहीं चैन नहीं होगा, ये कभी कुछ कर रहे होंगे कभी कुछ ऐसे है ना, तो इसको आपने रखना है यहां तक, आपने जो आपका बेल्ट लेवल होता है ना, बेल्ट लेवल यहाँ अपने हाथों का रखना है, इस तरह रख लें। अगर हाथ में कोई पेन पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पेन जो टिक टिक ना करता हो, अगेन उसकी टिक टिक जो है वो दूसरों को बताएगी कि आपका एंजाइटी लेवल क्या है, तो वो नहीं करना। उसके बाद अपने हाथों को यहाँ रखें, अगर सामने डाइस है तो कोशिश करें डाइस पे रख लें, यहाँ पर आपको फिर हाथ जो है वो मसला नहीं करेंगे, वरना ये जो जेब में डाल के यूं करके खड़े हो जाना, थोड़ा सा इस तरह का लुक देना, जब आप स्टेज पे होंगे तो ये थोड़ा एरोगेंट लगता है। और उसके बाद आप इससे ऊपर हाथ मूव करें, अगर मूव कर सकते हैं तो जरूर मूव करें, नहीं कर सकते तो फिर स्टेज पे सामने जो भी आपके डाइस है कुछ है उसके ऊपर रख दें। नेक्स्ट, अब आई कॉन्टेक्ट कैसे मेंटेन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कन्वर्सेशन में एक चीज ध्यान में रखें कि जब तक आपका आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं होता आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते। तो हम जब इतनी दूर होते हैं, जितने फासले पे इस वक्त मैं हूं आपसे, तकरीबन 8-10 फीट की दूरी पर, इतने फासले से होते हुए आप सामने वाले की आंखों में अगर नहीं देख सकते तो अभी कोशिश करके देखिएगा कि आपने इस जगह देखना। ओके, दो प्लेसेस होती हैं, एक यहां देखना है, दूसरे चीक्स पे देखना है, यहां पर आप उसकी डायरेक्ट आंखों में मत देखें, फियर फील होता है इससे, और इसको आप प्रैक्टिस करके देखें। अभी जैसे रुमाना बैठी हैं, आप अपनी मदर को जरा इस तरह देखें, जो करीब करीब बैठे हैं वो जरा देख के देखें एक दूसरे को, अच्छा ये इतना, ये थोड़ा दूर बैठे हैं, लेकिन जो बिल्कुल पास बैठे हैं ये उनके लिए नहीं है, ये दूर से देखने के लिए, समझ आएगी। आप करीब से बैठे देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करने का तरीका यही है कि आप सामने देखें, फिर अगली बात आप स्टेज पर है फ्रंट रो को मत देखें, क्योंकि यहां बहुत क्लोज आई कॉन्टेक्ट होगा और आप कंफ्यूज होंगे, आप पीछे वाली रोज पे देखना शुरू कर दें, बट रोज पे देखें और उस पे, अभी तो बहुत मजे की बात है ना, पीछे कद्दू है इमेजिन कर लें कोई, तो कोशिश करें कि वहां पर आप उनके फोरहेड पे देख लें या चीक्स पे देखें, उसको यही लगेगा सामने वाले को कि आपने आई कॉन्टेक्ट मेंटेन किया। तो शोल्डर सीधे, पांव जोड़ लेने, जैसे देखिए मैं इतनी देर से बात कर रही हूं, मैंने पांव मूव नहीं किए, अगर हम बाद में बहुत स्टेप वन पे हम गए फिर हम अपग्रेड हुए फिर हम मूव करके बात कर रहे हैं तो उसके बाद भी कोई मसला नहीं है, फिर आप आज मूव करके बात करें, यूं खड़े हो जाएं, इसको पकड़ लें, ये आपका होल्डिंग पॉइंट है, इसको पकड़ के खड़े हो जाएं, अगर हाथ में पेन है उसको पकड़ लें एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए। सो कोशिश कीजिएगा कि आपका नेक्स्ट टाइम आई कॉन्टेक्ट जो है ना वो मेंटेन रहे। ऑल द बेस्ट। स्टेज अपीयरेंस जो है ना, ये स्टेज को बढ़ाना, स्टेज फियर को कम करने के लिए स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज में आपको एंगेज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग वो भी समझते हैं कि स्टेज पे इस तरह डाइस के ऊपर आके बोलना ये एक नॉन स्टैमरर के लिए भी बहुत मुश्किल है, नॉन स्टैमरर के लिए भी। बहुत शुक्रिया मैडम, खुश रहिए, जजाकल्लाह। नॉन स्टैमरर के लिए भी स्टेज के ऊपर आके बोलना इंतहाई मुश्किल अमल है, लेकिन एक अच्छा स्पीकर हमें बनना है, हम अच्छे स्पीकर हैं, हमने अपनी शख्सियत को, हमारा जो असल हमारा चेहरा है, हमारा जो असल पर्सनैलिटी है, असल में जो हम हैं, वो हमने उस साकिब को, उस यासिर को, उस साहब को हमने बाहर निकालना है, हमने तराशना है, हमने अपने आप को खोजना है। हमें पता है, आपको अपना अंदाजा है, मुझे अपना पता है,
कि मैं एक कमाल की शख्सियत हूं, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं बहुत सारे लोगों से ऊपर हूं, बहुत सारे लोगों से अच्छे अंदाज में मैं बोल सकता हूं, और अगर ये चीजें सिंक्रोनाइज हो जाए तो शख्सियत की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। याद रखिए कि स्टेज स्टेज फियर के हवाले से मैडम ने जैसे ये शेयर किया, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि आप कैसे कैरी करते हैं स्टेज के ऊपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े जो स्पीकर हैं दुनिया में, इमरान खान को आप स्टेज पे सुनते हैं बड़े बड़े फॉरम्स पे, अमेरिका में जाके बोलते हैं तो इमरान खान का ये स्टाइल होता है, ठीक है। ये एक पावरफुल वे है स्पीच करने का, कि आपको कोई खौफ ही नहीं है, भारी नहीं है आपको, आप माइक के पास ऐसे खड़े हैं पास लो, ठीक है। ये बॉडी लैंग्वेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वे ऐसे अगर आप डरे हुए हैं, दबे सहमे से हैं, शायद आप ऐसे ही आप स्टे कर सकते हैं, ठीक है। या आप, मेरा नाम साकिब है और मैं, मेरे पोस्चर से ही अंदाजा हो रहा है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। जस्ट बी योरसेल्फ जैसे आप हैं, जस्ट ट्राई टू बी नेचुरल। इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सीखी जाती हैं। मैं भी जब स्टेज पे नहीं आता था तो मुझे भी बहुत सारी चीजों से नाबर्क था, अंदाजा नहीं होता था, अब बार बार स्टेज पे आके, लेकिन अभी भी स्टेज स्टेज फियर अपनी जगह होता है, लेकिन थोड़ा होता है, ठीक है। आप ये सीख रहे होते हैं और सीखना है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि फास्ट लर्नर बने, फास्ट लर्नर बने। आप खासतौर पर देखिए बेहतर होगी आपकी स्पीच, लेकिन इसमें जैसे रुमाना ने थोड़े से टाइम में अपने आप को एक सीख के बेहतर अंदाज में पेश किया।